मैं काजल के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा एक कपल गेम खेलेंगे। इसने सारे क्वेश्चंस को गाइस जॉट डाउन करके रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों काजल ना कुछ अलग ट्राई कर रही है। तो मैंने ना उसको एक वायरल इंस्टाग्राम की रेसिपी बताई थी और उसका मन कर गया कि आज अपने पति को, अपने पति परमेश्वर को कुछ अच्छा खिलाना चाहती है। तो वैसे कभी आता नहीं उसके मन में, आज आ रहा है। देखिए तो बता देता हूँ, ये कुछ प्याज मलाई की सब्जी है। मैंने काजल को सिर्फ भेजा था कि ऐसा है, ये मैंने ना 2 महीने पहले भेजा था और ये 2 महीने के बाद बन रहा है ये रेसिपी। मुझे नॉर्मल फुलके पसंद नहीं है ज़्यादा, तो काजल मेरे लिए पराठा बना रही है, तो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है आज काजल। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? तो मैं मायके जा रही हूँ। सच्चाई सामने आ गई है गाइस, और मेरी मम्मी ना व्लॉग देखने वाली है। मायके जा रही है तो इसके सब खिला के जा रही है। तो गाइस ये देखो, आज ये मैजिक हो रहा है मेरे साथ। काजल मुझे सोफे पे खाना दे रही थी गाइस, सोफे पे, जस्ट इमेजिन। तो चलो जब दिया है तो खा लेते हैं। तो गाइस टेस्ट कर लेते हैं काजल के हाथ की सब्जी। अच्छी है, खाया अच्छा लग रहा है। अच्छी है बाबा, मस्त बनी है, थैंक्स। तो गाइस बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ तो हमने अभी कैमरा को सेटअप कर रखा है, ठीक है। तो हमने कैमरा को सेटअप इसीलिए करा है, और थोड़ा सा हमने सामने को बाहर बिजी रखा है, बिकॉज मैं काजल के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा एक कपल गेम खेलेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें कभी भी हमने ऐसे Q&A नहीं करा है, जो कपल्स एक दूसरे को हमेशा पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स डू दिस, और काजल के साथ एक गेम खेलते हैं, हु नोस ईच अदर बेटर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं काजल को बोलूँगा, काजल तुझे पता है मेरा फेवरेट कलर क्या है, ठीक है। तो काजल ने उसका आंसर देना है, अगर वो आंसर दे पाती है तो शी गेट्स अ पॉइंट। हू इज गोना स्टार्ट फर्स्ट, तू या मैं? यू। मैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होने वाले? सो लेट्स सी जितने मेरे मन में आ रहे हैं। तो मेरा सवाल काजल से ये होगा, सबसे पहले चलो पहले ट्रायल बॉल खेलते हैं। तो मेरा फेवरेट कलर क्या है? रेड और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ये दोनों में से ही कुछ तो है। ये मे भी नहीं चलेगा, डेफिनेट एक डेफिनेट आंसर दे। रेड एंड ब्लैक ही। करेक्ट। व्हाट्स माय गो टू फूड? गो टू फूड, हाँ मतलब स्नैक भी बोल सकता है। हाँ चलो स्नैक्स में बता दो। मेरे ऐसा तो कभी कुछ नहीं, मेरे स्नैक्स क्या? गो टू स्नैक्स क्या होता है तेरा? सब चीज गो टू स्नैक्स ही होता है। गो टू स्नैक क्या होता है? ओके, खाकरा बोल, राइट है? नहीं क्या है? पानी पूरी पसंद है मुझे। अब बोलना मत कि पानी पूरी स्नैक्स में नहीं आता। ठीक है, देख लिया पहले ही। गो टू स्नैक्स पानी पूरी है, आई फॉरगॉट, सॉरी। तो ऐसा बोलना तेरा फेवरेट डिश क्या है? डिश तोड़ना है ये, स्नैक्स ऐसा होता है कि तू कभी भी स्नैकिंग कर सकती है। हाँ तो मैं कभी भी खा सकती हूँ जाके। ठीक है, तो यार शी गेट्स अ पॉइंट। मेरी बारी। मेरी फेवरेट कार कौन सी? हमेशा बोलता हूँ ये मेरी ड्रीम कार है। ओह शिट, मतलब भले मेरे पास करोड़ों हो जाए, करोड़ों, पर मेरे पास वो एक चीज है जो मैं हमेशा, और वो मैं देखता हूँ तो मुझे हमेशा उस गाड़ी से प्यार होता है। चलो ब्रांड बता दे। ठीक है, आई थिंक टाइम्स अप। तो मेरी फेवरेट कार है जैगुआर की F-Pace। मुझे वो हमेशा वो कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि बाकी कार्स, उससे भी अच्छी कार्स है, बट मुझे जैगुआर F-Pace पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। उसकी शेप से मुझे बहुत प्यार है, तो जैगुआर F-Pace मेरी फेवरेट कार है। ओवर टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कितनी ज्वेलरी पहनी हूं अभी? अभी तूने कितना ज्वेलरी पहना है? अरे ऐसा नोटिस करने वाला चीज मत बता। अरे तो हाउ वेल यू नो योर पार्टनर वाला गेम है ना। तूने अभी एक रिंग पहन रखा है, एक मंगलसूत्र पहन रखा है। रिंग तूने एक्चुअली गाइस ये कहता है क्या करती है, एक रिंग में ना, एक रिंग फिंगर में 3-3 अंगूठियां पहनती है। तो उसने 3 अंगूठी तो पहनी होगी पक्का, नहीं? 3 पहनी है। 3 अंगूठी पहनी है, देखा
एक उसने ब्रेसलेट पहन रखी वो है भी देखा। वो पहन के रखती है और एक मंगलसूत्र बोल दिया, एक तेरी नथनी हो गई और एक तेरा ये झुमका हो गया, और क्या हो गया? बस इतना ही है। पक्का पायल पायल बराबर ठीक है। मेरे को पॉइंट मिल गया ना। हाँ, ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है। मुझे किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत जल्दी आता है? भूख लगी होती है तब आता है। करेक्ट। ओ ये तो ना ऐसी तो गाइस मेरी कमजोरी है, मुझे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती है। एक और चीज है जिससे मुझे बहुत जल्दी चिढ़ आ जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज। एक और चीज है, एक ही चीज बोल रहे। एक और चीज है, पर तुझे भी पता है वो चीज, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी पता है वो चीज। अगर हमारे वीडियोस मेरे व्यूअर्स ने स्टार्टिंग से देखा होगा तो एक चीज है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हिंट देता हूँ, सानवी को भी नहीं पसंद। सानवी को भी वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा क्या है? पास। सानवी को भी नहीं पसंद। पास। हाँ। गर्मी। कहीं मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ठंडी पसंद है। मुझे चाहे कितने भी ठंडी पर रख लो, आप -1 माइनस के टेम्परेचर पर रख लो, आई एम ओके विद इट, बट मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। एंड सानवी का मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सानवी भी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती गर्मी। ठीक है, चिड़चिड़े हो जाते जब गर्मी। बहुत ज्यादा। तो ये दो चीज, भूख और गर्मी। ओवर टू यू। मेरा फेवरेट कलर सब। ऐसे कुछ ऐसे फेवरेट कलर नहीं है। सब फेवरेट है। माय चांस। ठीक है, मेरी एक बुरी आदत बता। एक बुरी आदत वैसे तो, बट तू एक्सेप्ट करेगा क्या मैं जो बोलूंगी? हाँ, करना ही पड़ेगा। अगर वो हाँ फैक्ट है, एकदम ऑन पॉइंट है, तो मैं बोल दूंगा। हाँ, मेरी एक बुरी आदत, बहुत जल्दबाजी, हर चीज में जल्दबाजी। आई थिंक वो एक बुरी आदत है, बट जो मेजर एक बुरी आदत है मेरी। चलते एक और चांस दे रहा हूँ। ब्रो तू मेरे साथ रही है, हमारी शादी को 4 साल होने आ गए, तुझे मेरी एक बुरी आदत जो सब मेरे को जो बुरी लगती, मैंने वो बता दी ना। मुझे लग तो मैं बता दूं, मेरा गुस्सा। हाँ वो भी है, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत बुरी आदत है। चल तेरी बारी। What do I prefer, mountains or beaches? मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि तुझे चलना बिल्कुल नहीं पसंद। तू बंदी है फोटो खींचने वाली, तो तुझे फ्लैट जगह पे बस फोटो धपा फोटो खींचते रहो। तो मुझे लगता है कि तू बीच वाली पर्सन है, माउंटेन नहीं हो सकती तू, फॉर श्योर। माउंटेन्स मैं थोड़ा बोल रही हूँ, ऊपर चढ़ के जाऊंगी, बट सामने भी तो देख सकते हैं ना माउंटेन्स। बट तुझे बीच पसंद है ज्यादा? ऐसा कुछ दोनों पसंद है। हाँ। चल ठीक है, मुझे लगता है माउंटेन पसंद है। गाँव गई थी, 2 मिनट में थक गई थी। ठीक है, हाँ सांस फूल जाती है, पैर नहीं उठते इसके। मेरी बारी, तू बताओ whether I'm a mountain person or beach person? नहीं, mountain person। Correct, I'm a mountain person। इसने इसने सारे क्वेश्चंस को गाइस जॉट डाउन करके रखा। नहीं नहीं, व्हाट्स माय शूज गाइस, चप्पल का साइज क्या है ना? इसने ChatGPT करा। नहीं नहीं, ChatGPT नहीं करा। इसके बाद 100 क्वेश्चन तो उसमें से रैंडमली चूज कर रही है। कौन? शू साइज क्या है मेरा? 6। नहीं, मेरा 5 है। 5 है? हाँ। मैंने लास्ट टाइम शूज 6 ऑर्डर करा था तेरा। आई गेस वो ब्रांड टू ब्रांड जो 6 है, इसके लिए थोड़ा सा लूज है, मुझे पीछे से ऐसे हिल। अच्छा, तो तूने ट्राई नहीं करा पहले? किया था ना, वो टाइम पे सही लग रहा था, पर जब हम एयरपोर्ट पे गए तो पीछे से ऐसे से वो हो रहा है। मेरी बारी। हाँ यार, इसके लिए मेरे शूज का साइज क्या है? 8। रॉन्ग, 9। भाई मेरा छोटा पैर नहीं है, बड़ा पैर है, 9 साइज है मेरे पैर का। तेरी बारी। मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है या ऐसे क्लटर्ड, मतलब ऐसे इधर उधर रख दो वाला? मुझे लगता है कि तू ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मेरा वार्डरोब भी जब से काजल आई है तब से मेरा जो हिस्सा होता है, वैसे तो मम्मी सेट करती थी, बट ज़्यादा काजल सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज करती है, तो आई थिंक यू आर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, इसमें को कैसे भी चल जाएगा, मैं जी लेता हूँ अपनी लाइफ।
दूसरों के भरोसे. हाँ ये हो सकता है. मेरी बारी अभी. क्या बार बार क्वेश्चन बनेगी तो अपना क्वेश्चन अपने मन में याद रख. मेरी बारी अभी. ठीक है. व्हाट इज माय ड्रीम प्लेस टू विजिट. इट्स माय ड्रीम टू विजिट देयर. ड्रीम मेबी नॉट मेबी केदारनाथ. ट्रू. वो काफी टाइम से है. तेरी बारी. गाइस ये अभी भी अपने क्वेश्चंस देख रही है. BetterHelp.com. इधर देखो उसका फोन देख. मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मतलब मैं खेलती तो नहीं बट देखना. स्पोर्ट मतलब स्लीपिंग वाला चल जाएगा. गाइस इसने आज तक अपने लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं खेला है और इसको कैच पकड़ने भी नहीं आता है. आता है मुझे. कुछ नहीं आता है. ऐसी घर पे ना वो सानवी के बॉल से भी खेलते तो भी ड्रॉप कर देती है. इतना सिंपल कैच. ऐसा कुछ नहीं है. क्या बोलूं मैं. तेरा स्पोर्ट्स नहीं हो सकता कुछ. मतलब मुझे देखना पसंद हो. क्रिकेट बिकॉज तेरे को विराट कोहली पसंद है. ऐसा नहीं है. मैं धोनी के टाइम से देखती हूँ. ओके तो क्रिकेट. हाँ. मैं पूछूं तुझे क्या लगता है कि मैं किस तरीके का बनता हूँ. मतलब यू नो ऐसे होते हैं ना कुछ लोग पार्टी लवर्स होते हैं. कुछ 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 को ऐसे आवारापंती करना पसंद है. या किसी को स्पिरिचुअल ज्यादा पसंद है. व्हाट डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. आई थिंक स्पिरिचुअल है क्योंकि ये काफी पूजा पाठ में भी बिलीव करता है. बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से पार्टी एनिमल भी बन जाता है. ओकेशनल पार्टी एनिमल. हाँ. ओके तो मिक्स है. फेयर. हाँ मैं स्पिरिचुअल ज्यादा हूँ. आई बिलीव इन गॉड एंड मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ सुबह उठूँ भगवान का नाम लूँ. और मुझे पसंद है वो चीज. तो आई विल से दैट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. आई लाइक पार्टिंग बट वेरी फ्रीक्वेंट वेरी ओकेशनली जहाँ पे मुझे मेरे जिनको मैं जानता हूँ वो लोग अगर मेरे आसपास है जैसे कजिन्स हो गए या तो उनके साथ मुझे. हाँ उनके साथ मुझे पसंद है. ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ मुझे पार्टी करना बिल्कुल नहीं पसंद है. तेरी बारी. क्वेश्चन अभी तक सोच रही थी और भूल गई क्वेश्चन. ओके द सेम क्वेश्चन जो तूने मुझे अभी पूछा. तो मुझे लगता है कि काजल है ना शी लव्स टू पार्टी बट यहाँ पे आके ना वो बंद गई है शादी के बाद है ना. ऐसा कुछ नहीं. कहाँ देखा. स्पिरिचुअल तो ये बिल्कुल नहीं है. स्पिरिचुअल ये बिल्कुल नहीं है बिकॉज मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि सुबह उठ थोड़ा भगवान के सामने हाथ जोड़ दो. वो कैसा ना मन के अंदर पॉजिटिविटी आती है. भले ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है बट इट्स जस्ट दैट कि इफ यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव नोट तो फिर वो आगे जाके भी आपका पूरा दिन वैसे जाता है. बट ये बिल्कुल भी पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक यू लाइक टू पार्टी. नहीं ऐसा भी नहीं. तो कैसा है फिर. मैं कहाँ पार्टी करती हूँ. तो कैसे. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू देन. मुझे आराम करना. नहीं आराम भी नहीं पता नहीं मुझे ऐसे एक रूटीन फॉलो करने के लिए अच्छा नहीं लगता. सो उस टाइप के बंदे को कुछ बोल सकते हैं. मतलब सुबह उठो खाना पकाओ खाओ बैठो. तो तेरे को हर दिन कुछ नया करना है. ओके तो देखो फिर देखो ड्रा अभी जो कर रही पसंद नहीं है. सासू जी ये व्लॉग देख रही है. कुछ नहीं है गाइस. ये अपना पत्ता साफ कर रही है. ये नहीं चाहती कि मेरी मम्मी ये व्लॉग देखे. मम्मी को पता चले कि भाई इसको घर के काम करना पसंद नहीं है. मैंने ऐसा बोला ही नहीं. मैं जेनरिक बोल रही हूं. ठीक है चलेगा. तो मेरी बारी. झगड़ा करा के छोड़ेगा. मेरी बारी. Which is my favorite actor? Vidya Jamwal. नहीं. Actors बोलो. Actor. मतलब. Pankaj Tripathi. नहीं बाबा. Bollywood ही ना. नहीं it can be Hollywood also. हाँ तो मुझे नहीं पता. Chris Hemsworth. थॉर. जिस तो थॉर हथौड़ा वाला है ना एक ऐसा था. मार्वल फैन तो मैंने कभी देखा ही नहीं. हाँ बट मेरा ऐसा था. एक्सट्रैक्शन नहीं देखा तूने. एक्सट्रैक्शन देखा है. एक्सट्रैक्शन में वही तो है. उसकी जो फिजिक है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फिजिक होनी चाहिए तो क्रिस हेम्सवर्थ जैसी होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए.
with you, obviously, if you ask me that who will be your favorite Bollywood actor, then I would say Vidyut Jambal, because yeah, wo to full package hai. I would say stuntman, actor, best looks, best physique in Bollywood, I think it's Vidyut Jambal. So, over to you. My favorite jewelry, ring. हर महीने मेरे को बोलती है मेरे को रिंग खरीदना है, मतलब इसके पास उंगली 10 है, इसको रिंग पहनना 100 है, 100 है, इसमें खाली 3 है, तो बस तेरा बस चले तो तेरे पास रिंग ही रिंग चाहिए, अभी भी उसको वही चाहिए, उसको नई रिंग चाहिए, बट मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस दिन करूंगा उस दिन मैं लूंगा दिल्ली रिंग सारे हाथों के लिए, सारे हाथों के लिए, तेरे गले में भी बड़ा रिंग पहनाऊंगा मैं. मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस तुझको पता है? गाइस ये मेरे को जान ही नहीं पाया मुझे लग रहा है. फेवरेट एक्ट्रेस ही लव्स करीना. हाँ गाइस, तो करीना कपूर मुझे पसंद है. तो मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स मतलब अराउंड मी, मुझे ऐसा लगता था कि करीना कपूर हैज दैट फेस जो मतलब बहुत कम लोगों के पास है, वो एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही चार्म है करीना कपूर के, मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों का भी है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ब्यूटीफुल होना चाहिए तो करीना कपूर जितना ब्यूटीफुल होना चाहिए. हाय सानू. माय बेबी. हु इज माय फेवरेट पर्सन? सानवी. गाइस मीट सानवी. सानवी को दिखाओ जरा. सानवी बाहर वेट कर रही थी हमारा पेशेंटली. तो गाइस आपने देखा लास्ट में एंड में थोड़ा काजल और मैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग क्वेश्चंस क्या करें, बट इट वाज फन, मजा आया एंड आई होप आप लोग को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा. हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे आप एंटरटेन हो, तो करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे. बाकी आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है. बाहर बैंड बाजा अच्छी तरीके से बज रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हो रहे हैं. जो बड़ी बड़ी गणपति वो आज रात को ही आ रही है, जो छोटी छोटी गणपतियाँ वो कल आएंगी गणेश चतुर्थी के दिन ही. तो कल का ब्लॉग दोस्तों बहुत अमेजिंग होने वाला है. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ. उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या.